ग्रामर में लेसन 26 देखेंगे, इंट्रोडक्टरी देयर। ठीक है, इंट्रोडक्टरी के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर में। देयर इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ सेंटेंस शोइंग एग्जिस्टेंस और ऑकरेंस। ठीक है, देयर का जो यूज़ है कि वो सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है, जिसमें कि सेंटेंस का एग्जिस्टेंस और ऑकरेंस शो करने के लिए यूज़ होता है। इट मेक्स अ सेंटेंस इफेक्टिव। एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, जैसे है आ बुक इज़ इन द बैग, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस सेंटेंस इज़ नॉट सो इफेक्टिव, ये जो सेंटेंस है ये बहुत ही इफेक्टिव नहीं है, सो लेट अस सी इट अगेन। फिर दोबारा से हम इस सेंटेंस को देखते हैं, देयर इज़ अ बुक इन द बैग, दिस इज़ बेटर इंग्लिश। ठीक है, तो ये क्या है, ये बेटर इंग्लिश है एज़ कम्पेयर टू अ बुक इज़ इन द बैग। इससे सही ये है कि देयर इज़ अ बुक इन द बैग, यहाँ पे हमने देयर का यूज़ है किया है। दूसरा है लुक एट द मोर एग्जाम्पल्स, अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे देयर इज़ अ मैन इन द स्ट्रीट, देयर इज़ प्लेंटी ऑफ टाइम विद अस। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, इन निगेटिव सेंटेंसेज नॉट इज़ यूज आफ्टर द ऑक्सिलरी वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, अगर इसी का देयर में अगर हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में हम लोग क्या करेंगे, नॉट प्लेस कर देंगे, जैसा हमने आगे के चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल फर्स्ट है, देयर इज़ नॉट अ हॉर्स इन द स्टेबल, तो यहाँ पर क्या हो गया, देयर इज़ ऑक्सिलरी वर्ब या वर्ब के बाद में हमने यहाँ पर नॉट प्लेस किया। ठीक है, उसके बाद है इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज ऑक्सिलरी वर्ब इज़ ब्रॉट एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस बिफोर देयर, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में क्या होता है, जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो सेंटेंस के बिगनिंग में यूज़ हो जाता है, या फिर हम कहें कि देयर के पहले यूज़ होता है। ठीक है, देयर से पहले किस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में, और निगेटिव सेंटेंसेज में क्या होता है, जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसके बाद में या वर्ब के बाद में यूज़ होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, इसमें एक्सरसाइज है फॉर्म सेंटेंसेस यूजिंग देयर एज गाइडेड। ठीक है, हमें क्या करना है, फॉर्म सेंटेंसेस यूजिंग देयर एज गाइडेड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देयर का यूज़ करके, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया किस तरीके से हम लोग देयर का यूज़ करेंगे यहाँ पे सेंटेंस को बनाने के लिए। तो पहला है असर्टिव सेंटेंसेज, जो सिंपल सेंटेंसेज हमें बनाने हैं। ठीक है, और सेकेंड इसमें है निगेटिव सेंटेंसेज बनाना है, जो कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगाना, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में क्या करना है, हमें देयर से पहले क्या करना है, हमें देयर से पहले ऑक्सिलरी वर्ब को देयर से पहले कर देना है। ठीक है, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि हम लोग सेंटेंस के बिगनिंग में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे फर्स्ट है इसमें फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस का, क्रो ऑन द स्ट्रीट, तो एक ऑलरेडी कम किया गया है इसमें, तो देयर इज़ अ काउ ऑन द ट्री। ठीक है, सेकेंड है बॉय इन द रूम, तो यहाँ पे क्या है, देयर इज़ अ बॉय इन द रूम। थर्ड मदर इन द इन किचन, मदर इन किचन, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे हम लोग, देयर इज़ द मदर इन द किचन। फोर्थ स्टूडेंट्स इन क्लास, तो देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास। फिफ्थ मंकीज ऑन रूफ, तो इसका आंसर हो जाएगा देयर वर सम मंकीज ऑन द रूफ। सिक्स्थ है फायर इन रेस्टोरेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा देयर ब्रॉक अ फायर इन द रेस्टोरेंट। फिर है निगेटिव सेंटेंसेस, सेवन्थ है टू कस्टमर्स इन होटल, तो इसका आंसर हो जाएगा देयर आर नॉट एंटरिंग टू कस्टमर्स इन द होटल। एट्थ फाइव टेबल्स इन द ड्राइंग रूम, आंसर इसका क्या हो जाएगा, देयर आर नॉट फाइव टेबल्स इन द ड्राइंग रूम। नाइन्थ का आंसर हो जाएगा देयर इज़ नॉट अ सिंगल काउ इन द शेड। टेंथ में है इज़ देयर अ प्रॉब्लम इन द मशीन। इलेवेंथ आर देयर सम गेस्ट्स इन द पार्टी, क्वेश्चन मार्क लगाते रहेंगे इंट्रोगेटिव में। और ट्वेल्थ है देयर आर डिड देयर ऑकर स्वीट ड्रीम्स इन स्लीप। ठीक है,